आप शांत रहो, रोते नहीं है। पहले मुझे मेरी है कि नहीं है, पहले देखने दो। कहाँ दर्द है? उतना ही दर्द हो? कम नहीं हुआ? चोट लगी थी ना इसके? हाथ ऊपर रखा है। वैसे तो बाद नहीं, वैसे ही चोट। क्या बता रहे डॉक्टर? वो कह रहा है कि इसका ऑपरेशन बैठाओ जी। थोड़ा सा कम हुआ या थोड़ा सा रह गया? थोड़ा सा रह गया। जब गुरु जी तुम्हारे पास आना होता है ना झंडा में, तीन बार का लड़ाई होती है। पहले भी सुबह भी लड़ाई हुई है, दोपहर में भी लड़ाई हुई है। किसी बहाने से भी वहाँ ना जाइए। कहाँ का है भी? वहीं कम। पिछली बार आपका नाम लिया तो जाने के लिए तो हम जा नहीं पाए। मैं नेपाल चला गया, पहले तो बीमार भी सही हुई, आज भी ऐसा ही हुआ। जब यहाँ आने की सोची कभी बीमार हो, तो कभी बीमार हो जाती, कभी सही हो गई। अब सुबह कह रही मैं सही हूँ। गुरु जी 15 दिन हो गए शनिवार की बनी, मेरे भी सारे दर्द है। इतना ही सिद्धा नहीं होया जाता दर्द। खड़ी खड़े जाओ, खड़े जाओ। बोलो शनिदेव महाराज की। कहाँ दर्द? कहाँ दर्द? ऊपर है, ऊपर आ गया। क्या बात है! परम पूज्य मनु भैया जी की वाइब्रेशन आ गई। गुरु जी यहाँ क्या है? मैं इस कुर्सी पे बार बार बैठता हूँ, उसके बराबर में जो भी होता है वो ठीक हो जाता है। सही माँ बेटी दवाइयां खाई जाए, दवाइयां चक्कर ही पड़े। पहले उसको देखो, जो कोई पहले उसकी रीढ़ की हड्डी तो देख लें कि है क्या। गुरु जी वो देखा ना, वो कहाँ से कहाँ पूछ गया दर्द? कहाँ दर्द है? थोड़ा सा ये यहाँ बिल्कुल नीचे, जैसे पहले होता था वैसा तो नहीं है ना अब, है ना? पहले तो ज्यादा होता था, अब कम हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो गया कहाँ है अब? वो तो रीढ़ की हड्डी पे चल रहा है। इसी को पकड़ चल रहा है साले। हाँ अब देखिए फूक कहाँ लगी है, ठीक है? अब बताना, जहाँ फूक लगेगी वही दोष बैठा रहेगा। लाडली कमर में है दर्द? अब झुक के देखिए एक बार, थोड़ा सा झुकने से दर्द होता है क्या? खुर कहाँ गई है? पैर में झुक जाए। बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की। बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की। पैर में दर्द रह गया, देख लो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने। ए कहाँ तेरी माँ? देख लो तू रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर। उसका क्या जा रहा है बताओ भाई मेरे को, उसका क्या जा रहा है? उस डॉक्टर का क्या जा रहा है मुझे ये बता दो। कितने रुपए बताया? 5,000 रुपए लिया एम आर आई का। लेफ्ट स्पाइन क्या है ये?
स्पाइन स्पाइन लाइट साइड, लाइट साइड। ये कहाँ पे कराया? लेफ्ट साइड स्पाइन का है ना नीचे। अरे फोन वाले भैया कूले के नीचे की हड्डी, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, फिर ऑपरेशन का है। बस यही इतना ही बताया जो उन्होंने, ये होगा एक्स्ट्रा होगा, ये बड़ी फिल्म दी है, इसमें कुछ नहीं आ रहा, बड़ी फिल्म में आ रहा होगा। ये बड़ी फिल्म तो पैर पैर की है, कमर की है, ये पीछे से डाउन। हाँ अब दिखे, रीड की है। हाँ ये रीड की है मेरी, इसमें भी ठीक है। मैंने कर दिया ना, कहना होना तो रात तो मैंने कहती भी गुरु जी ने कह मैं बिना दवाई तो ठीक हो जाए कारण ये कह रही थी। हाँ जी क्या कह रही थी? मेरी गल नहीं होती, कहती मैं गुरु जी ने कहना मैंने बिना प्रेशर तो ठीक कर। बताओ भाई, वो इतनी छोटी बच्ची का रीढ़ का ऑपरेशन करके क्या करता, मुझे समझ नहीं आता। और माँ बाप तो भाई अपने बच्चे के दर्द को नहीं सहन कर सकते। ये वही लड़की है जो इसके बिना खड़ी नहीं हो पा रही थी सब से, एक साइड ही लेट पा रही थी। क्या नाम है तेरा? हाँ जी है ना, बताओ। बोलो परम पूज्य मनु भैया जी की, बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की। देखिए ये लड़की चल नहीं पा रही थी, खड़ी ना हो पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अब ये लड़की अपने पैरों पर चल रही है, इसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बता दिया था डॉक्टरों ने, लेकिन छुपके बैठा था फूफा जी डॉक्टरों। क्या बताओगे भाई, ये फूफा जी जो अंदर है इसको कौन बचाएगा? जब तक फूफा जी नहीं निकलेंगे ऐसे पता नहीं कितने बच्चों के डॉक्टर ऑपरेशन कर देंगे। और इन डॉक्टरों की मति खो गई है, इनकी सेंस खो गई है, इनको ये नहीं पता भगवान ने शरीर कितने दिन के लिए दिया है। इनको पता नहीं है कि एक एक आदमी 100-100 बोरी रोजाना कमर पे ढोता है तब भी उसकी रीढ़ की हड्डी खराब नहीं होती। बस ये जानते हैं कि हम जो जानते हैं वो बेस्ट है दुनिया में, और वही खराब है जो ये जानते हैं। मैं लिख के देता हूँ, आदमी को कोई रोग नहीं होता प्रेत नहीं होते तो। ये जो 60-70 साल से पहले जितने भी रोग होते हैं ये प्रेत बाधा के कारण होते हैं, पितृ दोष के कारण होते हैं। और ये मैं निकाल के दिखा रहा हूँ अपने हाथों से, बताओ। अभी इतनी देर से खड़ी है, दर्द है कहीं कमर में? कहाँ है ये? अब देखो यहाँ आ गया, और पहले कहाँ हुआ था डॉक्टर के टाइम में? यहाँ का ऑपरेशन होता है ना? हाँ जी हाँ जी। देखो और उतना नहीं है ना, अब पहली बार आए कहाँ? दो साल हो गए यहाँ। अरे सब कोई भगवान, ये नहीं कि नहीं हमारे को दिया नहीं है, दिया सब कुछ है, पर लेकिन ये चोट लगने के चक्कर बहाना ही बनाया हमारा, और मकान भी बनाया सब कुछ है, महाराज ने दिया। चोट ठीक नहीं पा रही थी, चोट है दस हूँ खोल के कर ले गल, चोट का इंद्रिय दर्द हो रहा है, वाह हो रहा है कमर। पर तू कहाँ रो रही है बेटे? जब वहाँ दर्द हो नहीं रहा जहाँ का ऑपरेशन बताया, तू कहाँ रो रही है? तुझे तो हंसने वाली बात है, अब ऑपरेशन नहीं होना क्यों भाई? हाँ तो हंसने वाली बात है, यहाँ एक से एक केस बैठा है जो डॉक्टरों ने जिनको हरा कर दिया है पैसे ले लेके। ये लड़का 12 लाख रुपए दिए बैठा है, बताओ। लाल कच्छा पहनाने से हमने इसकी रेल रुकवा दी, दस्तों वाली केवल डॉक्टरों से नहीं रुकी। अरे डॉक्टरों होश में आओ, होश में, तुम अपराधी पे अपराधी होते जा रहे हो, तुम्हारे साथ बद्दुआएं और श्राप लगेंगी, उससे तुम अपने बच्चों को कदापि बचा नहीं पाओगे। इस बच्ची का क्या कसूर था? वो तो इसका बाप यहाँ आता था इसलिए इसको यहाँ ले आया, वरना तो ये तो गई थी काम से। है ये तो गई थी काम से भाई, इसने वजन उठाया, इसकी तो रीढ़ की हड्डी में कुछ ना कुछ हो गया। ए एमआई भी इन्होंने मेरे बाद में करवाई है, वहां मैं बड़े ला देते दवाइयां ते
साल डेढ़ हो गया। तेरी चीजें बच्चों में घुस गई ना, देख लो यही होता है। चीजें बच्चों में घुस जाती है, फिर दिक्कत होती है, इसलिए अपना इलाज करा लो, रुक जाओ, मान जाओ। एक वो बैठी माँ की चीजें बच्चों में जाती है, जाती है कि नहीं जाती है पूछ लो, ठीक है। ये इतनी टाइट समस्या होती है, कुछ हद नहीं। या तो माँ अपना इलाज करा ले, वरना तो बच्चों में जाएगी। ये कमर में बांधते थे बच्ची के, यही है जिन माताओं की चीजें। कितने समय से बांध रहे थे इसे? ये हो गई मेरे घर में 2 महीने से। ये घुटने से नीचे इसकी बेल्ट दिखाओ, कहाँ बेल्ट उतर गई? बेल्ट अभी उतर गई, अपनी बांधनी है, ठीक इसको। रोते नहीं है? रोना नहीं है, ठीक है। शेर दिल हो जाए, कहाँ दर्द है? गुरु जी यही बोला। श्रीदेव महाराज की